क्षेत्र से हट ठेले पर गंभीर हालत में मरीजों के अस्पताल लेकर जब बजम पहुंचे तो हट ठेले पर मरीज को अस्पताल ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। चल, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो कहीं और का नहीं है बल्कि कुरौली क्षेत्र का है। इस वीडियो के बारे में हम आपको बताएं, इससे पहले आप इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। तौर पर देखा जा रहा है कि एक गंभीर हालत में मरीज को परिजन कुरौली सीएचसी पर उपचार के लिए कड़ी धूप पर लिटाकर पहुंचे हैं। मरीज का नाम शिव सिंह पुत्र संतुलाल है जो कि मोहल्ला भीमनगर का निवासी है। परिजनों ने बताया काफी दिनों से बुखार से पीड़ित है। आज हालत बिगड़ने पर आनन फानन में इसको ठेले पर लिटाकर उपचार के लिए कुरौली सीएचसी पर लेकर आए हैं। वहीं इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद किशोर का कहना है मरीज को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है तो वहीं गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। वहीं हट ठेले पर मरीज को अस्पताल लाने का वायरल वीडियो पर क्या कुछ बोलते नजर आए मेडिकल ऑफिसर, आइए आपको सुनवाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, इनको जो मरीज को आप लेकर आए हैं ठेले पर, क्या नाम है इनका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया इनको? बीमार थे। कितने दिन से? आठ दस दिन से बीमार थे। आप ठेले पर लेकर आए हैं, एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा नहीं मिली क्या? अच्छा, क्या अभी कोई आया डॉक्टर देखने? सर, एक ठेले पर लेटाकर एक मरीज को परिजनों द्वारा अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया, सर क्या है ये मामला भी? सर हाँ, ये अभी शिव सिंह नाम का पेशेंट आया हुआ है। उनके पिता का नाम संतुलाल है, एज अबाउट 26 ईयर के हैं, जो कि अभी अनकंशियस के अवस्था में यहाँ लाया गया है। और उनको अभी एग्जामिन करने के बाद पता चला कि ये एनीमिक है और एनीमिया की वजह से ये शॉक में चले गए। इन्हें फर्स्ट एड दिया जा रहा है, इनके बाद इनको हायर सेंटर के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जिला अस्पताल मैनपुरी भेजा जाएगा। गंभीर है सर? हाँ, गंभीर हालत। थैंक यू सर। कहीं ना कहीं एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ठेले पर लेटा कर लाए हैं, कहीं ना कहीं एम्बुलेंस नहीं मिली है, क्या लापरवाही? नहीं, एक्चुअली ये कुरावली कस्बे का मामला है और ये अस्पताल के जस्ट पीछे मोहल्ला भीमनगर है, वहाँ का रहने वाला, वो एम्बुलेंस पहुँच भी नहीं पाती। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर के दूरी पर इनका घर है, इस वजह से एम्बुलेंस का कोई मतलब नहीं है। जो भी इनको साधन है वहाँ से वो ले आए यहाँ पर ना।